ज्यादा मतलब कंप्लेंट भी करते हैं कंपनी को भी, वैसे भी बोलते हैं दुखी हो गए ट्रैक्टर लेके परफॉर्मेंस नहीं दे रहा पूरा। उस वक्त थोड़ी पंप की सेटिंग करवाई तो पहले ही, अब तो जी दूसरे क्या मैं 10-10 हजार रुपए 100-150 RPM तोड़ा। हाँ जी भाइयों स्वागत है नई वीडियो में। जैसे पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि भाइयों के पास एक न्यू हॉलैंड 5620 भी है और इस ट्रैक्टर पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रखी है और सारी घर पे ही कर रखी है, बाहर से कुछ भी नहीं करवाया। जैसे महिंद्रा 415 और 605 नोवो पे इन्होंने घर पे टर्बो लगाई थी, वैसे ही इस ट्रैक्टर की जो सी मॉडिफिकेशन है सारी घर पे ही कर रखी है। और भाई से बातचीत करते हैं भी क्या क्या इन्होंने इस ट्रैक्टर पे लगाया हुआ है, क्या मॉडिफिकेशन अलग से करी हुई है, कितना इनका खर्चा लगा, सारे सामान पर ही अब डिटेल्स देंगे। भाई जी करो फिर शुरुआत। जी भाई यो बम्पर आप ना यहाँ पुंडरी बनवाया अर्धी मिस्त्री पे, ठीक है। और तो उसने आप ये सामान है जो सामान आप कैथल से कटवा के ले आए थे, ठीक है। कटवाने के बाद ये मिस्त्री ने सिर्फ इसकी वेल्डिंग और ओवर ही है, बाकी जो भी आपने पेंट सेंट करवाना था आपने अभी करवाया, टू के पेंट है इस पर जो, ठीक है। हाँ ये अच्छा, टोटल वेट कितना है बम्पर का? वेट जी इसमें एक क्विंटल 30 किलो वेट है इसमें बम्पर में। अच्छा एक क्विंटल 30 किलो के बम्पर पे आपका टोटल कितना खर्चा आ गया इस पे? मेरा 11,500-12,000 के करीब खर्चा आया। ठीक। अच्छा ये जो सा ऊपर वाली प्लेट है मतलब ये भी काफी ज्यादा आपने मोटी इस पे यूज करी हुई है? मोटी तो यो जी ट्राली का फर्श है जी यो। अच्छा मतलब आम जैसे मिस्त्री से बाहर तैयार करवाए तो अपना वो पतली चीज लगाते पतली, फिर चादर लगा देते हैं। उस भाई ने उस बम्पर पे पतली लगा रखी थी अर्जुन नोवो पे, वो वाइब्रेशन करके गूंज की आवाज देख रही थी, ये आवाज देख रही थी इस बम्पर की वजह से, इस उस वाली देख के फिर मैंने हैवी लगाई। ठीक। हाँ जो अपना 415 ट्रैक्टर है नहीं उस पे बल्कि गूंज देवा कोई आवाज मतलब डिस्टर्ब करती है, फिर बाद में ट्रैक्टर में से कोई आवाज आने लगी। आपने ये बताओ सुपर सीडर पे वो ट्रैक्टर चल रहा और ट्रैक्टर में गूंज की आवाज चल रही, अजीब सी आवाज आ रही, लड़का सारों को देख लिया आवाज नहीं बंद हुई वा, और एक भाई ने कहा आदर लिया आवाज बंद होगी, ये ऐसे ही आदर नहीं था तो मान उसकी नॉलेज थे, फिर ये मोटी लगाई फिर आवाज देने से नहीं हटी। ठीक है। और नीचे जैसे रूट्स के और लगे हुए हैं इनकी जो सी फिटिंग है ये सब घर पे गई थी। अच्छा वायरिंग वगैरह की बात करें अगर जो सी इसकी लाइटिंग की या हॉर्न की जो सी आपकी ट्रैक्टर की वायरिंग है सब आप ही करिए जी, घर पे करिए वायरिंग सारी है, चारों रूट्स के नीचे लगा दिए थे। फिर ये लाइट देख रहे हैं अभी लाइटों में भी मतलब हाँ ये प्रोजेक्टर डाले हुए हैं जी लाइट में, ठीक है। हाँ प्रोजेक्टर डाले हुए हैं जी लाइट में, ये बल्कि अलग अलग रन करा चलाइए, ये देखिए पहले तो ऐसे करेगी ये, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट फिर ये ऐसे चला, इंडिकेटर भी रन करा इसमें चलाइए, इंडिकेटर एक बड़ी भाई हाँ इंडिकेटर भी ये देख इंडिकेटर हाँ इंडिकेटर भी रन करा इसमें, ठीक तो ये सारी अपने घर पे तैयार करी है। ये भी मतलब इसका सामान फिर जो से प्रोजेक्टर वगैरह वाला मतलब मार्केट में से या कहीं दूर से लेके आए थे? नहीं जी पटियाले से ले आए थे, तो वहाँ जाते रहे वहाँ, तो पटियाले इस पे अपना खर्चा आ गया था 1200-1300 के करीब खर्चा आया दोनों लाइट हो गए फ्रंट दोनों लाइट हो गए हाँ दोनों लाइट हो गए। ये लाइट भी आप ना यहीं लगाई थी घर पे हाँ इस पे लगी, आप ये चीज देखो इसकी वायरिंग नहीं आपने कहीं को दिखनेगी, देखो आप यहीं कहीं लाइट मार कर देखो ये चीज आपने यहाँ कहीं दिखनेगी नहीं मतलब बड़ा जबरदस्त काम हो रखा भाई ने, ये नहीं आगे नहीं पीछे में भी कहीं भी वायरिंग नहीं दिख रही इस ट्रैक्टर की मतलब हां या यहां को भी देख लो वायरिंग आपने अंदर से करी हुई है अभी जिस सीजन में तूड़ी के सीजन में रिपर पे ट्रैक्टर चलता है जैसे गेहूं के सीजन में चला रिपर पे भी चला कोई दिक्कत वायरिंग की मतलब ये तो नहीं है अभी कहीं कोई काला काम हो जाए वैसे ही चला इसमें फ्यूज लगा रखा है ये नहीं है भाई कहीं मिल गई तार तो शॉर्ट हो जाएगा यो ट्रैक्टर तो वैसे भी करंट पे ही चला तो इस कर का जैसे देखते हैं काफी ज्यादा नुकसान ना इस चक्र में मैंने रिस्क नहीं लिया तो पहले फ्यूज ही लगा रखे कहीं दिक्कत होगी तो यो ट्रैक्टर तो बिना करंट के चल ही नहीं रहा और तो ट्रैक्टर चल भी जावा यो ट्रैक्टर तो बिना करंट के चल ही नहीं रहा। टायर कहां से डलवाए थे आपने? टायर जी समराले से ले आए थे फेम टायर पे थे। ठीक कितना टायरों पे कितना खर्चा आया? ये 32,000 रुपए खर्चा आया जी टायरों पे। ओ विद रिम? रिम राम सब कंप्लीट ही थे वहां टायर उतार दिए थे ये चढ़ा दिए बिना स्पेसर के लगाए हुए हां बिना स्पेसरों के हैं जी कहूँ कुछ स्पेसर वाली कोई नहीं। एक ये जो पायदान है जी ये अपने ऊंचे ठाए ये यहाँ 5-6 इंच नीचे आए करे थे जी यहाँ यहाँ डबल पैडी है जी मतलब ये जो पैडी का गैप है नहीं यो ही ऊंचा होया जी आप देख लो कितना गैप है पैडी का मारे जी यहाँ जी टांग भी नहीं पहुंचे थी तो माम तो थोड़े हाइट ठीक है जो छोटे बंदे हैं तो उनकी तो हाइट नहीं पहुंचे थी मतलब ये जैसे नया ट्रैक्टर देखते हैं तो ये बल्कि हॉलैंड को खुद मतलब नए ट्रैक्टर में सुधार करना चाहिए प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा डाउन होता है चलाने में भी मजा नहीं आता चलाने में नहीं है तो जो पैर वाली रेस है नहीं तो मान नहीं हो 400 घंटे चला दिए थी भाई ना कभी पैर वाली रेस नहीं देखा देखिए हाथ वाली चले गए थी पैर पहुंचे नहीं था हाँ पहुंचे नहीं था तो इस करके एक दिन मान सर्दियों में रिपर चलाया इसके बाद बल्कि यू प्लेटफॉर्म उठाने के बाद रिपर चलाया कोई दिक्कत नहीं ड्राइवर ना ये बाप देखो आप तो चला लिया कोई ड्राइवर लग जा छोटी हाइट का
तो ड्राइवर तो रिपर पर फिर वो कहेगा मैं तो तंग ही हो लिया, तो इस करके मान घर पे ही फिर ये कर राइट साइड नहीं आता 56 का। हाँ फिर वहाँ फिर आप ना बैटरी टूल यही घर पे बना के बैटरी टूल लगा, बैटरी भी बाहर निकाल दिया। हाँ बैटरी भी बाहर, क्यों रिपर पर चला नहीं तो जाली जुड़ी उतार दे फिर इस करके अंदर इंटरकूलर पे आवन लग दी। ठीक, तो इंटरकूलर पे आवन लग दी। फिर आपने ये सलंसर है इसकी भी हाइट बहुत ज्यादा सी, छतरी के से भी ऊपर जाए रहा था ये। फिर आपने यो भी थोड़ा छोटा ओरिजिनल सलंसर लाया, मान ले 2600 रुपए का सलंसर आया था यो CNH का, तो यो भी अड़का छोटा करा तो यो ही ले कर था, कम्बे करे था यो ऐसे ऐसे ज्यादा मतलब लंबा होता है। हाँ लंबे टकर का ही ले कर था, तो ही ले कर था, तो टर्बो है नीचे फिटिंग है तो इस पे भी असर आवाई है, तो इस करके माना थोड़ा छोटा कर दिया, हिलता भी नहीं है ये। हाँ तो ये फिटिंग दिखाओ इसना नीचे की जो पायदान आप ने ठाए, ये देखो ये नहीं है भाई फिटिंग कहीं था बुरी लगती हो या लगती हो, ये भी जमी सेम पायदान न्यू की न्यू नीचे करका सेम पेड़ी न्यू की न्यू बनाई है आपने ना। ये पैड़ी बल्कि यहाँ आप ना दो स्टेप करे हैं तो पैड़ी है जिस टाइम यहाँ तो चढ़े करे थे तो नीचे दबे करे थी ये पैड़ी। अच्छा। तो ये सपोर्ट दी है फिर एक गली जिस टाइम चढ़े करे थे, मतलब बड़ा बढ़िया तसल्ली वाला काम कर रखा है। ये नहीं है अगर जे आप बाहर से आके कोई अनजान बंदा देखता है ना, जैसे नहीं पता नहीं चलता जी भाई बता रहा है अपने को भी हमने इसमें ये मॉडिफिकेशन कर रखी है, अनजान बंदा अगर बाहर से आ जाए ना पहचान नहीं सकता भी ये कंपनी नहीं भेजा या इन्होंने करी है। बल्कि ये ट्रैक्टर का देखा मम्मे का लड़का 56-20 ले रहे वो भी ये देखा, उनने भी घर पे करवा के आया, उसके भी वही घर पे करा के आए और उसके बाद उनके गांव के दो ट्रैक्टर के और यहीं कर दिए। अच्छा कितना टाइम हो गया आपको ये ट्रैक्टर यूज करते हुए? ये ट्रैक्टर जी 6 महीने हुए जी यूज करते हुए। परफॉर्मेंस कैसी रही आपके ट्रैक्टर की? ट्रैक्टर की बढ़िया जी, ये जो आप एरोमा टिलर में जाए जिस चीज में भी चलावा तो ट्रैक्टर 65 स्कोर का 70 HP इतने जोर लगावा तो आप ना एक क्लिप दे देंगे दूसरे के आई में 10-10 की आरोपा तो आपने गेड़े पे गेड़े मारा भाई में ना तो ट्रैक्टर 150-200 ऊपर चक्कर नहीं दौड़ता। अच्छा। जो आपने पीटीओ में चलावांगे नहीं, पीटीओ में जो इसकी खिंचाई हुआ नहीं वह खिंचाई महसूस होगा, बात नहीं बनती मतलब। बात नहीं बनती पीटीओ में, वो बात नहीं बनती है जो ये टायर रिलेटेड जो भी चीज चलेगी नहीं उन्हें तो ये 70 HP के ना भी ढेकन लगने देता और जो पीटीओ में चलेगी पीटीओ में थोड़ा डाउन है। अच्छा एक चीज और ये पीटीओ सी भी जैसे लंबी आती है मैंने देखा है ये इसमें लगा लिया जुगाड़ को। हाँ ये टूट देख रहे थी। अच्छा। दो बारी तोड़ दिए चढ़ दी उतर दी होना तो भाई ने फिर ये अंदर ही छोटी करके इसका स्क्रू नट बैठेगा तो इसका ही पक्का काम कर दिया। हाँ टूटेगी नहीं अब छोटी होगी नहीं यार। तो मान कई बहुत सी जगह रख के देखे शीशे कहाँ सही फिट बैठेंगे तो नीचे आज अगर कभी देखियो आप चढ़ दियो ना तो यहाँ सिर लगने का डर रहे था, देखियो कितना सिर है जो यहाँ शीशा कर दिया तो सिर लगेगा बहुत बड़ी देखा यहाँ सीट पर बैठेगा फिर यहाँ फिटिंग आई तो इसने कहीं घुमा लियो सारी पीछे का दिखा ऐसी कोई चीज मतलब बड़ी बहुत अच्छी लगी। हां ये चीज जैसे बाहर से छतरी लगाते हैं ना हां लगा देते हैं पाइप से लगा ये नीचे आ जा फिर वो कंबा भी ऐसे ऐसे शीशा ये काम दा भी नहीं है। ये पंखा भी यहां आप ही लगाया था यहीं घर पे लगा दिया था। ठीक है। हां ये वेल्डिंग वगैरह काम भी मतलब घर पे कर लेते हो आप? हां थोड़ा बहुत कर लिया बस ज्यादा नहीं है। ठीक कहूं थोड़ा बहुत तो कर लिया। ठीक है। तो बड़ा मतलब बहुत ज्यादा मतलब लुक ये ट्रैक्टर की काफी ज्यादा प्यारी यार ये आप देख रहे हो बहुत अच्छा तैयार करा हुआ है। ये लाइट भी आपने यही लाइट लूट कुछ नहीं आंदी तो यही लाइट भी फिर यही लगवाई थी। अच्छा ऊपर जो सी रेड कलर ये ब्रेक के साथ ब्रेक कर रहे हैं कनेक्शन इसका? हां ब्रेक भी साथ भी चलाए हो? अच्छा जैसे दाबियो ब्रेक भाई एक बड़ी ब्रेक। हां ये देख छोड़िए ब्रेक ये देख ब्रेक के साथ रन कराए क्यों ट्रॉली ट्रोली में हवा पीछे तक दिखता रहा फिर ये ब्रेक लगी। फिर जी अपने वर्जन 605 था पहले तो उसका सारा साधन था अपने वो ट्राली ट्रुली जो भी थी उसकी थोड़ी नैड ट्राली है कि अर्जन के साथ थोड़ी छोटी थी। ठीक तो यह जब भी कटाई करे थे टायर में बहुत ज़्यादा लग जगह थी तो ट्रैक्टर मुड़न नहीं पाया करता तो आपने थोड़ी सी उख भी बाहर काटी। बहुत से भाई ये नहीं कहेंगे भाई उख बाहर काटन दे ट्रैक्टर आगे तो उठा मैंने सारी चीजें में चला के देखा ट्रैक्टर पे कोई असर नहीं है उस का यहाँ सराख था गुल्ले का तो सात इंच पीछे कर बस ये इतना सरक है 5 इंच सरकी है इसमें कोई महसूस नहीं अंदर किस चीज भी चलाओ। ठीक है। हाँ बड़ा मतलब ये अच्छा म्यूजिक सिस्टम कौन सा कहाँ का लगा रखा ये है? जी बिग ब्रदर का है जी। ठीक हाँ कोटीसा खां जी मोगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और मैंने पीछे नोट कर दी ट्रैक्टर में जैसे जो 56-20 का डिस्ट्रीब्यूटर वाले वाल आते हैं ये आगे होते हैं ये आपने पीछे कर रखे हैं? हाँ जी ये यहाँ थे जी डिस्ट्रीब्यूटर के वाल ये यहाँ थे तो जी आप ट्राली लगावा कुछ भी लगावा तो यहाँ लगती होनी जी कभी सिर लग जा कभी लिगड़ दी होनी यहाँ डंडे में तो फिर माना एजेंसी में से लिया जो नए मॉडल 21-22 में आया नहीं उनके तो यही पीछे लग गया ना तो ये 21 मॉडल है इसकी नहीं आई फिर यहाँ पे ना बाहर निकाल ली वहाँ एजेंसी में तो सामान लिया तो यही ये पीछे कर दिया आपने पीछे कर दिया यार इधर भाइयों ने
एफिल टावर लगा, ये ट्रेन ओढ़न लगा रखा है। ये मतलब सही कितना टाइम हो गया और लगाए होगा आपको? और रन लगाए ना जी, अर्जुन पे भी चले 2 साल। अच्छा, और ये 6 महीने से इस पे चल रहा। ठीक है, तो इस पे बाद देख ले आप। थोड़ी ही आवाज खराब सी, हल्की सी हो रही है। अच्छा, ये साइड वाला शीशे मतलब ऊपर लगा दिए यहां से? हां, साइड पे आता जोन सा वो शीशा था जी, वो थोड़ा डेनाइट का था, उसमें दिखे नहीं था सही, थोड़ा ब्लैक से पन पा था वो। और एक था जी, वो शीशा ऐसे घूमे जाए कर था, तो माने चलाया थोड़ा दिन ऐसे ऐसे घूमे जाए कर था, तो फिर माना इस करके उतार दिया, तो इन शीशे से ही ऊपरी सेटिंग। बैटरी बॉक्स भी आपने ये घर पे ही करे? हाँ जी, घर पे ही करे जी। जो बैटरी बॉक्स बाहर तले हुआ जी, वो बहुत हल्का हुआ, उसके ऊपर पैर भी रखेंगे नहीं तब भी ऐसे टेढ़े हो जाए ऊपर की चादर पा। तो माना ये घर पे बनाया, तो इसके नीचे देखियो कैसी स्पोर्ट लगा रखी, टेढ़े करके चैनर लगा रखे जी, 2.5 इंची चैनर। ये नहीं है भाई हल्का सिस्टम है, 2.5 इंची चैनर तिरछे लगा का तो यहाँ ला रखे जी। ये नहीं है भाई बैटरी टूल पर 5 जने खड़े हो, मतलब आगे अगर पानी वगैरह भी बैटरी का चेंज करना है तो तब भी दिक्कत? हाँ, तब भी दिक्कत है। हाँ, फिर रिपर पे चला जी, तो फिर इंटरकूलर में ना हुआ अच्छी क्रॉस हो जाट, तो ट्रैक्टर रिपर पे गर्म नहीं होता, साफ सूफ करने में आसानी रहो जी। ठीक, तो यू फर्क है। पायदान की फिटिंग आपने अगर पियो कर ली थी तो सारी? पायदान की मतलब पायदान पे कितना खर्चा आ गया आपका? इसका पायदान पे आया जी सेटिंग करने में मार आया जी 800,000 रुपये करीब खर्चा है सिर्फ, बस यो खर्चा मतलब ट्रैक्टर की जो सी चला, कंफर्टेबल काफी हो गया चलाने में, मजा आने लग गया। पहले इतना मजा नहीं आता, मजा नहीं, अब तो जी कोई दिक्कत तो नहीं। ये डिफरेंशियल भी बल्कि मानने जी कटे नहीं है, वैसे ही उनसे उठाया। ये दिखाओ, ये देखियो डिफरेंशियल है जी, ये नीचे था बहुत ज्यादा, हमने पता क्या करे यहाँ से ऊपर से ग्राइंडर मार के गोल करके, तो यहाँ नीचे इसके डीप ब्रीदर के यहाँ वेल्डिंग करके गोल कर दिया, तो डिफरेंशियल ऊपर आ गया, नहीं फिर डिफरेंशियल भी नीचे। काम प्रॉपर करता ही है, काम वो ही करा, नहीं फिर काट के ऊपर कर दे तो अच्छा ना लगे था, जो काट के अच्छा कर देना। पंप की मॉडिफिकेशन भी करवाई जी, इसकी करवाई जी गुआना, गुआना सोनीपत साइड सुरेंद्र महला मिस्त्री पे करवाई जी। ठीक है, उस पर थोड़ी पंप की सेटिंग करवाई, तो पहले अब तो जी दूसरे क्या मैं 10-10 11 रुपये 100-150 रुपये में तोड़ा, कोई परवाह नहीं है, मीडियम का चौथा लाओ। पहले क्या मैं तो जी खड्डे खोद के खड़े हो जाए जोर लाने। तेल की एवरेज की बात करें, मॉडिफिकेशन तेल की एवरेज जी मान इसकी मापी है जी, 1 लीटर 700 ग्राम 10-10 11 रुपये खाया ना 1700 रुपये में चलाया। आपको कोई ऐसी बात लगी इस ट्रैक्टर में? शुरू में तो लिया जी, तो मैंने इसका शुरू में एक सर्विस अलग चला जी, इसने डीजल बढ़िया खाया, डीजल नहीं खाया, एक सर्विस होने के बाद इसका डीजल पता नहीं क्या ऑटोमेटिक डीजल ज्यादा लग गया खाने, 10-11 लीटर सुपर सीडर में खाने लग गया। हाँ, तो उसके बाद फिर माना सुपर सीडर का सीजन लाया, रिपर का लगाया, रिपर का मॉडिफिकेशन कराने के बाद लाया, रिपर पे यू 14 ट्राली 13-14 ट्राली टंकी में भरे करे था, 13-14 13-14 ऐसे भरे करे था, और शुरू में भरी ना 11-11 12 11-12 बाद में 2 ट्राली का फर्क पा दिया था, पर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में बहुत बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी न्यू हॉलैंड 56 की वीडियो सारी जो सी आप देख रहे थे अभी, तो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन भाई ने कर रखी है, बड़े अच्छे तरीके से कर रखी है, साफ़ सुथरा काम कर रखा है, कोई ये नहीं कह सकता भी मतलब अभी बेकार काम भद्दा लग रहा है कोई चीज़। और बाकी कोशिश सबको करनी चाहिए, अगर कोई अपने ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो मतलब घर पे जो काम करेंगे कम खर्चे पे होगा, बाहर अगर किसी मिस्त्री पे जाएंगे पैसे भी लगेंगे, तेल भी लगेगा, टाइम भी खराब होगा, टाइम भी खराब होगा। चलो ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। ठीक है भाई, ऐसी ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।